हेलो फ्रेंड्स, जब भी आपने ये ड्रग पेशेंट को आईवी दिया होगा तो उसने कंप्लेंट की होगी कि मुझे शरीर में गर्मी हो रही है। तो दोस्तों, ये ड्रग कौन सा है? ये जो ड्रग है ये आपकी इमरजेंसी किट में भी हमेशा रहता है, क्योंकि बहुत सारी इमरजेंसीज में ये ड्रग काम में आता है। तो दोस्तों चलिए, आज हम देखने वाले हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट ये इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट ये जो ड्रग है, इट इज़ ए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का ये एक कैल्शियम सॉल्ट है। ये हमें 10 ml के एम्प्यूल में मिलता है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रहता है 10%। मतलब 10 ml एम्प्यूल में जो कैल्शियम ग्लूकोनेट रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है 10%। और एक 10 ml के एम्प्यूल में हमें 90 mg ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम मिलता है। और ये जो ड्रग है उसमें और एक कंपाउंड रहता है, वो रहता है कैल्शियम डी सैकरेट, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.35% है। ये कैल्शियम सॉल्ट है, लेकिन ये एक स्टेबलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है, और वैसे इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये ड्रग में कुछ नहीं है। तो ये जो एम्प्यूल है इसमें जो मेन ड्रग है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो दोस्तों, अब कैल्शियम ग्लूकोनेट के यूजेस क्या है वो हम देखेंगे। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट के मेनली 4 यूजेस है, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 यूजेस लिखे हैं, लेकिन इसमें के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है 4 यूजेस। तो पहला यूज है वो है इन द एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, मस्कुलर स्पाजम्स हो जाते हैं जिसे हम टिटेनी भी कहते हैं, और साथ में सीजर्स आ सकते हैं, मिर्गी आ सकती है, और कार्डियक अरिथमियाज भी हो सकते हैं। ऐसे जब सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया की हमें एक्यूट मैनेजमेंट करनी पड़ती है तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं। तो इसका जो डोज है तो इट इज गिवन एज 10-20 ml स्लोली आईवी ओवर 10 मिनट्स। और अगर इससे भी अगर सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हुए तो फिर हमें ड्रिप भी लगानी पड़ सकती है, जिसमें हम 60 ml जो ड्रग है वो हम डालते हैं 500 ml 5% डेक्सट्रोज के आईवी में। 500 ml की जो 5% डेक्सट्रोज की जो आईवी की बॉटल रहती है उसमें हम 60 ml ये ड्रग डालते हैं, और उसका डोज है 0.5-2 mg पर kg पर आवर। इस प्रकार से हमें ये पेशेंट को देना होता है। दूसरा इसका यूज है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ साइट्रेटेड ब्लड। जब भी हम पेशेंट को ब्लड या खून चढ़ाते हैं तो वो जो ब्लड रहता है उसमें साइट्रेट रहता है, और ये जो साइट्रेट है ये ब्लड में जो कैल्शियम है उसको कम करता है। तो इसलिए जब भी हम 4 यूनिट ब्लड देंगे तो फॉर एवरी 4 यूनिट हम 1 एम्प्यूल यानी 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट पेशेंट को देते हैं। तीसरा इसका यूज है हाइपरकैलीमिया। जब भी पेशेंट हाइपरकैलीमिया में जाता है और उसके कारण फिर कार्डियक अरिथमिया आते हैं, तो सबसे पहला ड्रग हम जो पेशेंट को देते हैं वो रहता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है कि जो कार्डियक एक्टिविटी है, जो कार्डियक मेम्ब्रेन है, उसको शांत कर देता है, या फिर उसके कारण कार्डियक अरिथमियाज जो है हाइपरकैल्मिया के कारण जो कार्डियक अरिथमियाज हो रहे हैं वो इससे प्रिवेंट हो जाते हैं। तो ये है एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। कैल्शियम ग्लूकोनेट के कारण एक्चुअल जो पोटेशियम लेवल है वो ब्लड की कम नहीं होती, लेकिन उसकी जो हार्ट पे जो उसकी टॉक्सिक एक्शन है वो कम हो जाती है। तो इसका जो डोज है वो है 10-20 ml ओवर 10 मिनट्स। फिर उसी प्रकार चौथा इसका यूज है हाइपर मैग्नेसीमिया। जब भी हम पेशेंट को मैक्सल या मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन देते हैं, उसका अगर ओवरडोज हो गया तो पेशेंट हाइपर मैग्नेसीमिया में जा सकता है, और उसके कारण फिर पेशेंट को डिक्रीज यूरिन आउटपुट, पैरालिसिस या फिर कार्डियक अरिथमिया ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऐसे वक्त भी हम एंटीडोट करके कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं, और उसका जो डोज है वो है 10-20 ml ओवर 10 मिनट्स। और आखिरी इसका यूज हो सकता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टॉक्सिसिटी। जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स है उनकी अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो उसकी जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसमें एक चीज हम कैल्शियम ग्लूकोनेट करके भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कभी ये ड्रग आपने पेशेंट को आईवी दिया होगा तो पेशेंट कहता है कि मुझे शरीर में गर्मी लग रही है, मतलब वार्म। साथ में वो बोलता है कि मुझे टिंगलिंग यानी झुनझुनी हो रही है बॉडी में, और साथ में ही हैवी फीलिंग भी कंप्लेंट करता है। तो इसका मेन रीजन ये है कि जब भी ये ड्रग पेशेंट को दिया जाता है तो वेजो डायलिटेशन हो जाता है। हमारी जो शरीर में जो खून की नसें है वो
फैल जाती है और उसके कारण पेशेंट को गर्मी का एहसास होता है। साथ में ही वो कंप्लेंट कर सकता है कि चौकी टेस्ट, चौक जैसी टेस्ट उसके मुंह में आती है, फिर स्टमक अपसेट, उसका पेट खराब हो सकता है, साथ में उसको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि ये जो ड्रग हम जब पेशेंट को देते हैं तो ये देते वक्त हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशन है वो है कि इट इज़ गिवन स्लोली ओवर 10 to 20 मिनट्स। ये जितने भी यहाँ पे यूजेस हमने देखे हैं, इसमें जो डोजेस है उसमें हमने सब इसमें देखा है कि इट इज़ गिवन स्लोली ओवर 10 to 20 मिनट्स। उसका मेन रीज़न ये है कि ये ड्रग अगर पेशेंट को फास्ट दे दिया तो वेजो डायलिटेशन हो जाता है और उसके कारण फिर ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, हार्ट रेट जो है वो भी फॉल हो सकता है और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि हमें देखना चाहिए कि पेशेंट का जो इंट्रा कैथ है वो बराबर इन कंडीशन में है, क्योंकि ये ड्रग अगर बाहर चला गया तो फिर एक्स्ट्रावाजेशन नेक्रोसिस भी हो सकता है। ये इसका दूसरा प्रिकॉशन है। लेकिन दूसरा जो कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड, उसके कंपेरिजन में कैल्शियम ग्लूकोनेट सेफ है एक्स्ट्रा वजेशन के रिलेशन में, क्योंकि इससे जो एक्स्ट्रा वजेशन नेक्रोसिस है वो कंपेयर टू कैल्शियम क्लोराइड कम होता है, इसलिए इसका ये एडवांटेज है। तो दोस्तों आज हमने कैल्शियम ग्लूकोनेट ये ड्रग के बारे में एक शॉर्ट में जानकारी ली। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। और दोस्तों अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरीज है आज के टॉपिक के बारे में तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।